लॉकडाउन के चलते आई आर्थिक तंगी ने एक व्यक्ति की जान ले ली। जी हां, मामला है रांची क्षेत्र का, जहां पर क्षेत्र में ही रहने वाले चमन समुद्री मजदूरी कर अपना और अपने परिवार का पेट पालता था, लेकिन लॉकडाउन के बाद से सभी काम बंद होने के कारण उसे घर में बैठना पड़ गया और अब कर्ज के पैसे चुकाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, जिससे वह डिप्रेशन में रहने लगा और आखिरकार उसने आत्महत्या कर ली। परिवार वालों ने इसकी सूचना संबंधित थाने में दी, जिसके बाद सूचना पर पुलिस पहुंची। जी, मैं बोल रहा हूँ गोलू। मेरा बड़ा भाई था। क्या नाम था उनका? चमन समुद्री नाम था। जी जी। वो उनका देहांत हो गया है। वो थोड़ा सा मानसिक रूप से परेशान थे बहुत ज़्यादा, और घर के तनाव से भी परेशान थे, और लॉकडाउन का समय चल रहा था जी। उस बीच में ये इनने खुदकुशी कर ली। क्या कह सकते हैं, मतलब काम बंद था इसलिए उन्होंने? हाँ, आर्थिक स्थिति बड़ी ख़राब थी, बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। काम धंधा कहीं पर लग नहीं रहा था, उस वजह से इनने अपने दिमाग में जो भी ऐसा भी सोच के कर लिए। अभी किसी को बताया नहीं, किसी को सोचे नहीं, समझे नहीं, खुद से खुद ही कर लिए। आपके भाई हैं कौन कौन है इनके घर में? हमारे बड़े भाई हैं, इनसे बड़े भाई हैं ये। नहीं, इनके फैमिली में कौन कौन और है? इनके फैमिली में हम हैं सबसे छोटे, और जो हमारे बीच वाले भाई जिन्हें फांसी लगा लिए, और इनसे बड़े भाई हैं जो इनके बच्चे वगैरह। हाँ, और जो बड़े वाले भाई के बच्चे हैं, चार बच्चे हैं और मिसेस इनके, सभी साथ रहते हैं। हाँ, सभी साथ में रहते हैं। मम्मी पापा दोनों एक्सपायर हो चुके हैं।